प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हमारे साथ हैं। दिनेश जी नमस्कार। एक बात आपसे पहले एनर्जी पे ही करना चाहेंगे, क्योंकि आज सुबह 8 और 10 बजे के बीच में जिस तरह की हलचल हमने क्रॉस एसेट क्लासेस में आते हुए देखी, एक बहुत बड़ा मूव कच्चे तेल में भी बनता हुआ नजर आया था। एक समय पर 4.5% की तेजी थी और अब वो तेजी कंप्लीटली गायब होती हुई नजर आई है। कैसे ट्रेड करने चाहिए आज की तरह के दिन, और अब यहाँ से अगर अगले हफ्ते के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो तो क्या है? जी मनीषा जी, इतनी अनसर्टेनिटी में, इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन में और सारी चीजों को देखते हुए जिस हिसाब से क्रूड ट्रेड कर रहा है, इसमें बिल्कुल भी प्रीमियम ऐड नहीं हो रहा है जो भी टेंशन से चलता है। मुझे लगता है कि ये एक बेरिश जोन में धीरे धीरे जाते आ रहा है, और खासकर अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रहा है जो कि काफी बड़ी मंदी की निशानी बन सकती है। खुलते बाजार में ये ऊपर के लेवल अगर हम देखते तो 7320 का लेवल बना के 6800 की लेवल बनी, और आज एक शार्प बाउंस बैक दिया उसने जो करीब करीब 7100 के लेवल्स बने, वहां से भी करीब करीब अभी 250 रुपया 200 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है मई का कॉन्ट्रैक्ट। मुझे लगता है कि 6880 के आसपास क्रूड अगर आता है तो यहाँ पर सेलिंग का ही अवसर ढूंढे। धीरे धीरे मुझे लगता है ये दोबारा 6650 से 6700 के लेवल देख सकता है। आने वाले समय में क्रूड में हमें एक बड़ी मंदी निश्चित तौर से देखने मिल सकती है। मेरी सलाह इस वीक और नेक्स्ट वीक भी सेलिंग की ही रहेगी। ऑल राइट, तो बिकवाली करके चलना चाहिए। यहाँ पे एक व्यू आपसे सोने पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही वो खबरें घूम रही थी, सोने को हमने 2412 तक जाते हुए देखा। मैंने 2412 देखा, आई एम श्योर उसके ऊपर भी गया हो सकता है, लेकिन वहां से सीधा $30 की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार। मनीषा जी, किसी ने अगर शॉर्ट करके गया होगा और सुबह 7 बजे के रेट अगर देख लिए होंगे तो उसने M2M पक्का कैलकुलेट कर लिया होगा। बट जैसे हमारा मार्केट खुला है, सामान्य तौर पर खुला है 50 से 100 रुपए ऊपर खुला, थोड़ी सी हलचल की, लेकिन मैं आपको बता दूं मनीषा जी कि ये जो अपसाइड के रेट से गोल्ड में ऑलमोस्ट रैली डन हो चुकी है। 73,000 का गोल्ड में सारा वॉर और सब कुछ, इकोनॉमिक स्लोडाउन सब कुछ फैक्टर्ड इन है। लेने वाले के लिए ज्यादा से ज्यादा 700 से 800 रुपए मिलने हैं, घटने वालों के लिए कम से कम 2 से 2500 रुपए यहाँ से नीचे जा सकते हैं। मुझे लगता है इवनिंग सेशन तक हमको 72,000 के अंदर गोल्ड निश्चित तौर से देखने मिलेगा। 72,650-700 के आसपास इसको शॉर्ट कीजिए, 72,950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आने वाले समय में 71,850 हमें निश्चित तौर से देखने मिलेगा। राइट, तो अगर आपने सोना नहीं खरीदा है, खरीदना चाहते हैं तो इन डिप्स का डेफिनेटली इंतजार करें। इसी के साथ साथ दर्शकों को शामिल करने का भी समय है, और हमारे पास अभी एक मैसेज आया है। मिस्टर SM देश पांडे अकोला महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि इन्होंने चांदी खरीदी थी 43,600 के लेवल से दिनेश जी, और जानना चाहते हैं कि होल्ड करें, बाजार में ले जाएं, क्या करें? जी मनीषा जी, बड़ी खुशी की बात है कि मेरे लोकल प्लेस को ही बिलोंग करते हैं, अकोला से बिलोंग करते हैं, और अच्छे रेट्स में चांदी ली है, वहां से दुगने रेट पर चल रही है, और मैं ये आशा करूंगा इनका जो दुगना रेट है ये चौगुना हो जाए। अभी इन रेट पर मुझे लगता है सिल्वर एक ऐसी लेवल है जो ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही है। थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी, थोड़ी बहुत स्लगिशनेस, या हम कहेंगे कंसोलिडेशन का फेज है, लेकिन आने वाले समय में सिल्वर मुझे लगता है कि 81,000 के नीचे भी नहीं जाएगी, और जल्द से जल्द हमें 88,000-90,000 के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो जो पोजीशन इन्होंने कैश मार्केट में बना रखी है वो निश्चित तौर से बनी रखे और बनाए रखे। चांदी आपको लॉन्गर टर्म के लिए यहाँ पर कैसी लगती है, क्योंकि हम यहाँ पर $24 तक जाते ही जा सकती है वो भी सुनते हैं, और ऊपर में 32 तक जाती है वो भी सुनते हैं, और चांदी ऑफकोर्स अपने वो 27 से 29 के बीच में फिलहाल कायम। मनीषा जी, एक मल्टी ईयर हाई जब भी कभी क्रॉस होता है तो कम से कम उसमें 20 से 25% का इजाफा होता है, और 78,500 ये ऐसा लेवल था कम से कम इसने 6 से 7 बार टेस्ट किया था, उसके ऊपर मंथली, वीकली, क्वार्टरली सारे इसके क्लोज आ चुके हैं। मुझे लगता है इसमें मूव एक विस्फोटक व्यू का इंतजार है, कोई एक ट्रिगर आएगा जो इसको एक बड़ी तेजी की तरफ लेकर जाएगा। मिनिमम 90,000 ऊपर में 95,000 के भी लेवल हमें देखने मिल सकते हैं, बट स्लो एंड स्टडी, इसका जो भी डिप आएगा उसमें खरीदारी का अवसर देना। ऑल राइट, और हमारे पास एक और मैसेज आया है और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है दिनेश जी। तुषार जी लिखते हैं राजकोट से कि इन्होंने 4 लॉट कच्चा तेल लिया था 6015 के स्तर पर और उसे लगातार होल्ड करते रहे हैं। काफी अच्छे मुनाफे में थी इनकी पोजीशन, ऊपर में 7300 भी गई थी, 7100 भी आज आई थी। मुझे लगता है कि पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अब इसमें लॉन्ग टर्म ऐसी कोई तेजी नजर नहीं आती है। अगर ये कहीं भाई 6950-6900 के आसपास अगर मई का कॉन्ट्रैक्ट आता है तो मुझे लगता है पोजीशन एग्जिट करके कई और अल्टरनेटिव कमोडिटीज, बेस मेटल्स या समथिंग सिल्वर ऑफ दैट काइंड उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ, इनको लगा होगा कि एक जगह पैसा बनते जा रहा है, लगातार बनते जा रहा है, तो क्लियरली होल्ड किया है, लेकिन अब क्लियरली यहाँ से निकलने का समय भी है। ये मैसेज है संजीव जी का राजस्थान से, ये किसान है, इनके पास 100 क्विंटल ग्वार सीड पड़ा हुआ है, क्या करने की राय है? बिल्कुल राय ये है, उनका अच्छा समय निश्चित तौर से और जल्दी आएगा,
बड़े समय के बाद में ग्वार में पॉजिटिव मोमेंटम आया है, 5550 के लो से, 5050 के लो से इसमें 500 रुपए की रिकवरी होकर 5550 के आसपास का लेवल आया है। इसका मोमेंटम देखते मुझे यू लगता है कि आने वाले समय में 5800 के रेट ये दे सकता है। एक महीने का इंतजार करें, मुझे लगता है 5850 के आसपास आप एग्जिट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ग्वार सीड में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त हम ऑलरेडी देख चुके हैं और यहाँ से कुछ मुनाफा लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया दिनेश जी साथ देने के लिए। और जाते जाते आपको बता दें कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त इंटरेस्ट है और लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर, सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई, जानिए FNO और पोर्टफोलियो है जिनके फंडे, कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स क्या हैं, नए बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैसे पढ़ें और समझें चार्ट्स के पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में, साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करिए।